हेलो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर है कंपनी का जिसका नाम है एम सी ट्वेंटी वन एंड एक्स बी आर एल टाक्स नॉमेज तो हम लोग आज की क्लास में ये करेंगे ओके okay. अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये चैप्टर है क्या ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा सीधे सीधे कॉन्सेप्ट आएंगे टॉपिक पे आएंगे, आएंगे ज़्यादा डायलॉगबाजी नहीं करेंगे ठीक है ना ओके okay. <laughs> यार तुम लोग हंस रहे हो यार बे फजूल का हंस रहे हो यार पूरा मतलब लुक खराब कर देते हो यार है ना? ओके okay. हम लोग करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है एम सी ए ट्वेंटी वन एंड फाइलिंग इन एक्स बी आर अब ये है क्या ये चैप्टर क्या है बच्चों को लगता है यार एम सी ए ट्वेंटी वन क्या होगा यार बवाल होएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है एम सी ट्वेंटी वन ये एक फॉर्म है जैसे हमारे पास आई एन सी वन आई एन सी टू है ना ये वाले जो एम जी टी फोर्टीन एंड एम जी टी फिफ्टीन ये जो हमारे पास फॉर्म है तो एम सी ट्वेंटी वन कुछ और नहीं है ये एक फॉर्म है जिसके अंतर्गत कंपनी लॉ में पहले हम लोग ट्वेंटी फिफ्टीन के पहले चीज़ों को फिजिकली फाइल करते थे जो भी काम होता था वो फिजिकली होता था डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से होता था मैनुअली होता था पर जब एम सी ट्वेंटी वन हमारे बीच में आया तो एम सी ट्वेंटी वन ने चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया और अब हम लोगों को ना फिजिकली काम नहीं करवाना पड़ता मैनुअली काम नहीं करवाना पड़ता है अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी बनानी है तो पहले हम आर के पास जाते थे इनकॉरपोरेशन फॉर्म फिल करते थे फिर हम जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल सिग्नेचर हो गया डी का कॉन्सर्ट हो गया डिन हो गया ये सब हम लोग मैनुअली लेते थे और मैनुअली इसको सबमिट करते थे तो यहाँ पे ना बहुत सारा टाइम चला जाता था प्रोफेशनल्स का जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हमारे क्लाइंट के लिए कोई कंपनी बनानी है अब बार बार हम दौड़ के जाएंगे आर के पास आर ओ सी कहेगा ये डॉक्यूमेंट लेके आओ हम जाके ये डॉक्यूमेंट दौड़ के सबमिट करके जा रहे हैं ये कहेगा ये करो ये फॉर्मेलिटीज़ करो ये करो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा हम अपने ऑफिस में बैठे हुए उधर आर का फ़ोन आया और हमें भाग के काम करना पड़ेगा तो इससे क्या हो गया हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा जो हम लोगों का टाइम था वो सारा का सारा टाइम ना इस तरीके से आइडल जाने लगा और हम लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था और लाइन में लग के ये फॉर्म सबमिट करने पड़ते थे तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी पहले तो हमारे वहाँ पे एक फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया एम सी ट्वेंटी वन और इसके अंतर्गत हमने डिजिटलाइज किया अपने पूरे के पूरे कॉरपोरेट लॉज को और आप कंपनी लॉ के अंतर्गत जितनी भी चीज़ों को हम लोग फाइल करते हैं आप सबको पता है हम लोग मैनुअली इनको फाइल मैनुअली नहीं सॉरी इनको हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं ना तो हमारे वहाँ पे आज के टाइम में जितनी भी चीज़ें हमें आर को देनी होती है या फॉर एग्जाम्पल हमें डी एस ऑप्ट करना है हम ऑनलाइन एम की वेबसाइट पर जाकर ऑप्ट कर सकते हैं हमें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है हम ऑनलाइन एम की वेबसाइट पे जाएंगे और हम उसको ऑप्ट कर लेंगे हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है वेरी सिंपल हम एम की वेबसाइट पे जाएंगे और कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे है ना तो यानी कि हमें जितने भी काम करने हैं वो सारे के सारे काम आज के टाइम में हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली करने लगे और ये इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल कैसे हुआ ये एमसीए ट्वेंटी पॉसिबल हुआ है ना 2006 में हमने कंपनी लॉ को डिजिटलाइज करने का पहली बार बिल पेश किया था पार्लियामेंट में एंड फिर उसके बाद इमिडिएटली तो हम लोग चीजों को नहीं कर पाए क्योंकि किसी भी चीज को पूरी तरीके से इन इंडिया पूरे के पूरे इंडिया में और आउटसाइड इंडिया जो भी हमारे कंपनीज हैं हम उनको डिजिटलाइज करें इतना आसान नहीं था तो धीरे धीरे हमने क्या किया इन चीज़ों को एक एक करके ऑप्ट करना स्टार्ट किया एंड राइट नाउ अगर हम अभी की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को डिजिटलाइज कर लिया है है ना और अब हमें ना बार बार आर के पास चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हम अपना टाइम एनर्जी है ना ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बचा लेते हैं एम की वजह से इतनी बात समझ में आती तो एम कुछ और कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे डर जाओ यार एम सी एक, एक फॉर्म है जिसके अंतर्गत कंपनी में जितनी भी चीज़ें हैं अब हम लोग वो डिजिटलाइज करने लगे आई बस समझ में चल भाई देखते हैं एम सी ट्वेंटी वन प्रोजेक्ट देखो तो दिस इज इनोवेटिव प्रोजेक्ट एंड इनिशियटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट विद अ ऑनलाइन पोर्टल टू इनेबल ई फाइलिंग तो एम सी ट्वेंटी वन में कुछ हम और नहीं कर रहे हैं हम ई e फाइलिंग के कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर रहे हैं पहले हम लोगों के टाइम में ऐसा होता था कि हम लोग इनकम टैक्स में जाते थे क्लाइंट के रिटर्न सबमिट करने तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के पास जाओ अब लंबी लाइन लगी हुई है आप भी लाइन में लगो एक एक दिन मतलब आठ आठ घंटे नौ नौ घंटे निकल जाते थे हम लोगों को लाइन में लगे हुए तो बहुत टाइम टेकिंग था वो प्रोसीजर इसके अलावा साथ ही साथ जब वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे और भी चीज़ें भाई अगर हम मैनुअली चीज़ों को कर रहे हैं तो कोई भी गलत तरीक़ों से काम करवा रहा है है ना तो ये सभी चीज़ें भी होती थी तो लेकिन अभी आज के टाइम में क्या है अब कुछ मैनुअली नहीं रह गया कभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना है तो आप किसी को सुना आपने कि ये लोग मैनुअली करते हुए सिंपली हम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे रिटर्न फाइल करेंगे और फाइल करके सिंपली हमने सबमिट कर दिया कहानी खत्म हो गई आई बात समझ में तो वैसे ही कंपनी में भी पहले फिजिकली मैनुअली काम होता था और अभी क्या है सिंपली हम एम की वेबसाइट पर जाएंगे सारी चीज़ें हमारे को वही मिल जाएंगी और हम सब कुछ अपलोड कर सकते हैं जो भी हमें फाइल करना है वो हम सब कुछ फाइल कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करने होते हैं कंपनी को लास्ट में थर्टी ऑफ मार्च की क्लोजिंग के बाद तो क्लोजिंग के बाद हम एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए जाते थे मैनुअली आर के पास अभी हम सिंपली ऑनलाइन भर देंगे डी एस सी डेन इन ये सब हम लोग यह, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कर लेंगे तो कुल मिला के एम सी ट्वेंटी वन ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत हमने कॉरपोरेट लॉज के अंतर्गत जितनी भी जितनी भी फाइलिंग वगैरह थी हम लोगों ने इसको क्या कर दिया ऑनलाइन कर दिया आई बात समझ में दिस प्रोजेक्ट कवर्स ऑल द सर्विसेज ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर ऑफ कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अंपनी टिल द वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी इसका मतलब है इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या सोचा था क्या सपना देखा था हम लोगों ने इसके अंतर्गत सपना देखा था कि हम सभी की सभी चीजों को क्या कर देंगे ऑनलाइन कर देंगे और देखो हमने कर भी लिया आज के में। आज के के टाइम टाइम में में से लेके वाइंडिंग तक की सारी सर्विसेज सर्विस आपको यहीं पर दे रहा है एमसी के ट्वेंटी वन ये जो वेबसाइट है एम की वेबसाइट पर दे रहा है ठीक है ना अच्छा अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एम सी एज ए थ्री टेयर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से लोग होंगे इसमें देखो यहाँ पे ना सबसे पहले ना हमारे पास तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर है ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है ये जो भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी एम सी ए की वेबसाइट चलती है आई बस समझ में तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है ये जो कुछ भी करना चाहते हैं जो भी चेंज लाना चाहते हैं तो ये आपके लिए लॉज रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स बना सकते हैं ठीक है ना इसके बाद हमारे पास आता है हेड क्वार्टर इनका कांप है न्यू दिल्ली में अच्छा जहाँ पे इन्होंने कई सारे आर डी को बना रखा है आर डीज़ का मतलब रीजनल डायरेक्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्निंग अथॉरिटी में हमारे पास मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रीजनल डायरेक्टर एन सी एल टी एनसी एन आर ओ सी ये कुछ लोग हैं जो लोग मिलकर आर ओ सी क्या कर रहे हैं कंपनीज को कंपनीज एक्ट को गवर्न कर रहे हैं ना तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले अथॉरिटी हमारी आएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर दूसरी अथॉरिटी हमारी रीजनल डायरेक्टर एंड थर्ड अथॉरिटी हमारी कौन आएगी आर ओ सी तो इसीलिए हमने इसको कहा कि एम सी ए क्या है ये थ्री टीयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारे पास एमसीए दूसरी अथॉरिटीज हमारी आर और तीसरी अथॉरिटी हमारी आर और इसके अलावा अगर कोई और विवाद होता है कोई और प्रॉब्लम होती है तो एनसीएल एनसीएल के पास हम लोग जाते हैं एंड यहां पे भी हम लोग ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं इन लोगों को भी ठीक है ना अच्छा एम सी ट्वेंटी वन का ऑब्जेक्टिव क्या था यार ये ना ये कॉमन सेंस है अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव आए और अगर आपको ये लिखना है ना तो ये आपका कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो जाएगा किसी भी चीज को हम डिजिटलाइज क्यों करते टाइम कम लग सके हमारी कॉस्ट कम लगे है ना चीजें जल्दी हो सके इफिशेंसी के साथ हो सके तो वही सारी चीजें तो यहाँ पे भी आ जाएंगी तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि एम सी ट्वेंटी वन के ऑब्जेक्टिव क्या थे अगर हमने सपना देखा था कि हम कॉर्पोरेट लॉज के अंतर्गत जितनी भी फाइलिंग है हम उसको ऑनलाइन लेके आएंगे तो इसके पीछे का भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है हम टाइम सेव कर पाए हमें लंबी लाइनों में लगना पड़ता था फॉर्म सबमिट करने के लिए फाइलिंग करने के लिए तो आप क्या हो गया भाई इमिडेटली आप अपने कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे बैठे हुए और कहानी ख़त्म वेबसाइट पे जाओ आप जो भी डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर रहे हैं वो अपलोड करो जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स डिमांड करे वो अटैच करो इंटर मारो कहानी ख़त्म हो गई और पहले क्या होता था यहाँ से जाओ भाई अपने व्हीकल से जाओगे तो वहाँ पर भाई पैसे लगते थे पेट्रोल सौ से ज़्यादा हो गया क्यों इतना महंगा हो गया यार पेट्रोल अभी तो कितना मुश्किल हो गया एम सी ए के ऑफिस में आर ओ सी के ऑफिस में जाना अभी कितना टाइम बच गया तो एक तो तुम्हारा तुम्हारे को कॉस्ट बची दूसरी तुम्हारे को टाइम बचा क्योंकि लंबी लाइनों में लगना पड़ता था और तीसरा क्या पेपर सेविंग हो गई बहुत बढ़िया मैडम कह रही पेपर सेविंग हो गई क्या बात है बेटा बहुत बढ़िया तो ये हो गया हमारे पास है ना साथ ही साथ पैसे भी तो बच गए बहुत पैसे बच गए हमारे भाई कभी कभी होता था खिलाना और पिलाना भी पड़ता था है ना जब कोई काम भाई वेरी सिंपल बहुत प्रैक्टिकल बात करी हो जब हम डिपार्टमेंट में जाते हैं मान लो कोई काम हमें करवाना है और अगर किसी चीज़ का प्रोसीजर है भाई कोई क्या करेगा इतने दो तो करवा देना पटाख से भाई मंदिरों में भी जाते हैं तो दो दो लाइनें होती है एक लाइन होती है जिसमें लाइन लगती हो हम एक होती है सर दर्शन करने वी वी में करवा दे क्या तो सर ये भी तो होता था तो ये सभी चीजें क्या हो गई इलामिनेट हो गई इसके आने से देखते सर ओके तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है यार बिजनेस वेल भी इनेबल टू रजिस्टर अर कंपनी एंड फाइल स्टैचुरी डॉक्यूमेंट्स क्विकली तो आसान हो गया पहले बहुत मुश्किल था लाइनों में लगना पड़ता था पब्लिक टू तो गेट ईजी एक्सेस टू तो रेलिवेंट रिकॉर्ड एंड इफेक्टिव ग्रीवेंसल एडर्सल पहले हम लोग क्या करते थे मानवली सारी चीज़ें होती थी अगर मान लो किसी कंपनी के रिगार्डिंग हमको उसका मेमोरेंडम चाहिए उसका आर्टिकल चाहिए या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमें चाहिए तो हम जाते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और वहाँ जा कर लाइनों में लगते थे फिर उनसे डिमांड करते थे फिर अनाप सुनाप फीस चार्ज करते थे और डॉक्यूमेंट्स हमें सही मिल रहे हैं नहीं, नहीं मिल रहे हैं ना अब क्या है वेरी सिंपल किसी भी कंपनी का आपको मेमोरेंडम देखना है आर्टिकल देखना है हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं है ना हमें कंपनी की वेबसाइट पे और एमसीए की वेबसाइट पे किसी भी कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम मिल सकते या तो नहीं मिल सकते जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको एमसीए की वेबसाइट पे मिल जाएंगे या नहीं जाएंगे? Course, मिल जाएंगे ऑफकोर्स मिल जाएंगे तो एक तो ये आसान हो गया दूसरा अगर मैं बात करूँ ये यहाँ पे मैम ग्रेवेंसिस की क्या बात कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी इन्वेस्टर को किसी कंपनी के रिगार्डिंग कोई शिकायत है तो पहले मैनुअली हुआ करती थी शिकायतें दर्ज होती थी और शिकायत मैनुअली उनको सॉर्ट आउट किया जाता था अभी क्या है वेरी सिंपल अभी हमारे वहाँ पे एक वेबसाइट हमारे वहाँ पे बना रखी है इन्होंने से ने इस कोर्स करके इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं अपनी जितनी भी शिकायतें होती है वो सारी शिकायतों को हम लोग उस वेबसाइट पर अपलोड करते हैं और हमें ना प्रॉपर दिखती है कि हमारी शिकायतें कहाँ तक पहुँची उनका क्या समाधान हुआ क्या सोल्यूशन निकला उनका है ना इसके अलावा यहाँ पे भी हम लोगों ने ऑनलाइन सारा सिस्टम करके रखा है अगर किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी पर्सन को अगर कोई भी प्रॉब्लम है कंपनी से रिलेटेड है ना तो वेरी सिंपल ये ऑनलाइन ही अपनी कंप्लेन को रेज कर सकता है और ऑनलाइन ही उसका सॉल्यूशन भी देखेगा है ना ओके प्रोफेशनल टू बी एबल टू ऑफर इफिशेंट सर्विसेज टू देअर क्लाइंट अभी तुम लोगों की बात कर रही है अभी तुम लोगों को कितना मुश्किल होता था क्लाइंट कहता था सर आयु सर कंपनी बनवानी है सड़ने कहा हो जाएगा सर काम एक हफ्ते में कंपनी आपके यहाँ यहाँ आयुष सर एक हफ्ते का टाइम दे रहे एक हफ्ते में कंपनी एक हफ्ते बिजनेस जले हुएगा अच्छा एक हफ्ते ये क्यों कह रहे हैं क्योंकि इनको मैनुअली काम करवाना है आज ये आर के ऑफिस गए आर ओ के वहाँ ना न उन, उनके उनके मौसे के लड़के की शादी है उस शादी में गए हुए आज नहीं मिलेंगे साहब फिर नेक्स्ट डे आयुष जी गए जब नेक्स्ट डे आयुष जी गए तो पता चला कि आर साहब लंच कर रहे हैं लंच के बाद ऑलरेडी बहुत लंबी भीड़ लगी हुई फिर गड़बड़ हो गई है ना तो इसलिए आयुष सर ने क्या किया है प्रॉपर ने टाइम मार्जिन लेके रखा हुआ है अच्छा ये होता था अभी क्या है वेरी सिंपल सुबह सुबह मैंने फ़ोन किया मान लो मैं आयुष की क्लाइंट हूँ सुबह सुबह आयुष को मैंने फ़ोन किया सर 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 जी सर जी सुनिए तो सर, सर कंपनी बनाना है ये ये डिटेल्स दे दिए एक घंटे में प्रोसीजर कर दे, दे, दे देंगे आपको आयु मैं एक घंटे में, एक में। और कुछ लोग तो जब सीधे बैठे हुए मतलब कुछ घंटे में मान लो कहीं ड्राइव कर रहा होगा तो एक घंटे में प्रोसीजर करके दे देगा और मान लो लैपटॉप पर बैठा है डिटेल्स दो ये एंटर हो गई सर आई बात समझ में तो आप कितना आसान हो गया यार तो जहां तुम लोग ना एक कंपनी को एक हफ्ते में बनाते थे अभी एक दिन में ना जाने कितने कंपनीज तुम बना सकते हो क्यों तो ये कितना आसान हो गया यार और ये किसकी वजह से हुआ एम सी ट्वेंटी जिसमें हम लोगों ने क्या किया था क्या सपना देखा था हम लोग ना सारी चीजों को ऑनलाइन लेके आएंगे ना सारी चीजों को ई फाइलिंग में लेके आएंगे और अब सब कुछ आपका ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे टाइम सेव होगा यस फिर क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इजली फाइन चार्जेस रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था है ना चार्जेस वाला सेक्शन एंड चार्जेस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोई भी चार्ज रजिस्टर करवाना मिनेट्री होता है और अगर किसी भी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंपनी को लोन देना है या कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने है तो फिर ये सिचुएशन में ना कितना आसान और हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्योंकि कंपनी को सारी चीज़ों को रजिस्टर करवाना पड़ता है और जैसे ही चीज़ों को ये रजिस्टर करवाएंगे तुरंत तो सारी चीज़ें आपको एम के वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होने लगेंगी तो यानी कि अब आसान हो गया चीज़ों को चेक करना बेटर ज्यादा हमने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया पहले क्या था सारी चीजें मैनुअली थी थी हिडन बहुत सारी चीज़ें लोग छुपा लेते थे अभी क्या है सभी चीजें हिडन नहीं है सब कुछ अब ट्रांसपेरेंट हो गया तो आसान हो गया तुम लोगों के लिए इंप्लॉयज <laughs> टू इंश्योर प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव कंप्लाइंस ऑफ रेलिवेंट लॉस कॉर्पोरेट ये एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा हो गया कि कंपनी लॉज को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कंपनी वेलफेयर लॉस को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये सभी चीज़ें भी क्या हो गई अच्छी हो गई तो अगर आपसे एम सी ट्वेंटी वन प्रोजेक्ट के अगर ऑब्जेक्टिव लिखने को आए तो लिख लोगे यार कि एम सी ट्वेंटी वन कुछ और नहीं है हम कॉरपोरेट लॉज में जो फाइलिंग थी उनको हम लोग ऑनलाइन लाने का सपना देख रहे थे एंड तो फाइनली आज की डेट में सभी चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी हैं आई बस समझ में और अब हम लोग क्या करते हैं इन सभी चीज़ों को के बेनिफिट हम लोग उठा रहे हैं ना ओके okay. ये जो प्रोजेक्ट बना ना ये प्रोजेक्ट में हमारे पास दो ऑफिसेस दिए गए फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस समझते हो क्या तुम लोग यार देखो फ्रंट ऑफिस का मतलब होता है एक वेरी सिंपल जब आप जाओगे डब्ल्यू तो आपको भाई जो भी अगर कंपनी फॉर्म करना है आपको डीएससी ऑप्ट करना है आपको डिन ऑप्ट करना है आपको सारी चीज़ें वेबसाइट पे मिल जाएंगी तो ये क्या है जब आप वेबसाइट को खोलते हो तो आपको कुछ एक एक फॉर्मेट एक पेज दिखता है ये हमारा क्या हो गया ये फ्रंट ऑफिस कस्टमर के लिए ओपन है एंड अगर मैं बैक ऑफिस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है यार यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल आपको एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया गया है अच्छा जब हम कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं तो यार मैंने आपको स्टेप पढ़ाए थे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के कि कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो हम लोग क्या करते हैं आई एन सी वन फाइल करते हैं आई एन सी वन जब फाइल करेंगे अपलिकेबिलिटी ऑफ नेम के लिए तो फिर हम लोग इसको ऑनलाइन अपडेट कर देंगे अपलोड कर देंगे और फिर वो क्या होएगा फिर हमने कहा कि जब वेरीफाई होएगा वो डॉक्यूमेंट और वो नेम जो आपने डिमांड किया वो अवेलेबल होएगा तो आर ओ सी आपको वो नेम ग्रांट कर देगा ट्वेंटी डेज के लिए अच्छा तो इसका मतलब है आप यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है जो उन चीज़ों को चेक भी करेगा फिजिकली वेरीफाई भी करेगा और वेरीफाई करके वो आपको रिवर्ट बैक भी करेगा तो ये कहाँ पे हो रहा है ये बैक ऑफिस पे हो रहा है भाई आप ना हमारे ऑफिस में गए आपने कहा हमें बुक चाहिए हमने आपको बुक दिला दी अपडेट के साथ आपको बुक मिल गए अच्छा ये तो फ्रंट ऑफिस पे हो गया कि भाई सिंपल हमने आपका एडमिशन लिया आपको हमने बुक्स इशू करी बात खत्म कर सर बैक ऑफिस में तो और भी लोग बैठे हुए जो प्रॉपर लगातार कंटिन्यूसली आपके बुक कॉमेंट कर रहे होंगे नए नए चेंजेस कर रहे होंगे कितने बुक्स के ऑर्डर आए हमारे को सारे बुक्स भैया हमारे को बताते हैं कि भाई सर इतने बुक्स बनवाने हैं इतने ये करना है और वो ऑर्डर जाते होंगे फिर ऑर्डर से आपको यहाँ पे आते होंगे आपको क्या वही आपने एडमिशन लिया और बुक्स इशू करवाई ऑफ़िस से बात खत्म हो गई बट फ्रंट बैक ऑफिस में तो बहुत कुछ हो रहा होगा ना आपको फ्रंट ऑफिस का पता है तो फ्रंट ऑफिस का मतलब जब हम वेबसाइट के पेज पर पे जाते हैं तो वहाँ पर जिन चीज़ों को हम एक्सेस करते हैं वो फ्रंट ऑफिस का पार्ट बैक ऑफिस का मतलब क्या पीछे जो है बैक मतलब अगर हम बात करें तो हमारे क्वेरीज का आंसर करना हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना उनको फिर से उन पर रिस्पॉन्स करना ये सारे काम किसके हो जाएंगे ये सारे बैक ऑफिस के काम हो जाएंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास दो फ्रंट हमारे पास दो ऑफिस को मेंटेन किया गया फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस ठीक है ना इतनी बात समझ में आती है एंड आपको मैं बता दूं कि अभी हम लोग ना यहाँ पे आ, ये जो हमारा जो एम सी ट्वेंटी वन का जो प्रोजेक्ट है ये इन्फोसिस के पास है इनकम टैक्स ने अपने भी सारे प्रोजेक्ट जो है वो इन्फोसिस को दे रखे और ये भी इन्फोसिस को दे रखे और इन्फोसिस हमारे सॉफ्टवेयर को पूरा डिज़ाइन कर रहा है मैनेज कर रहा है ना और राइट right नाउ हम एम सी ए थ्री पॉइंट जीरो वर्जन पे काम कर रहे हैं आई समझ में देखते सर ध्यान से फ्रंट ऑफिस के

एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वर्चुअल अब वी एफ ओ बोलूँगी चलेगा यार अगर पी एफ ओ बोलूँगी चलेगा यार ओके द वी एफ ओ इज़ वर्डजन हैज इन फ्रंट वाइल एक्सेसिंग एम सी ट्वेंटी वन पोर्टल तो यही तो मैं आपको इतने से बता रही थी आप अपने इंस्टीट्यूट में फॉर्म भरते हो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो यार जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे क्या होता है आप अपने डिटेल्स वो जो भी डिमांड करते हैं कि अपने फाउंडेशन की मार्कशीट दो अपना जो एक्नॉलेजमेंट नंबर वो दो है ना और फिर ओपन करो जो डॉक्यूमेंट्स वो डिमांड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर दोगे

जो वी एफ ओ है वी एफ ओ ने पी एफ ओ को थोड़ा बहुत कम किया हुआ है लेकिन कुछ पी एफ ओ है क्योंकि कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें क्या करना पड़ता है भाई करवाना पड़ता है फेस टू फेस जाकर करवाना पड़ता है कुछ डॉक्यूमेंट्स को हमें फेस टू फेस दिखाना पड़ता है ना अच्छा इफ़ यू आर नॉट फैमिली विद द प्रोसेस ऑफ ई फाइलिंग देन आपके लिए पी एफ ओ है यानी कि आने वाले टाइम में तो पी एफ ओ खत्म हो जाएगा क्यों अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो वी एफ ओ में मतलब थोड़ा सा कम एक्सेस कर रहे हैं वी एफ ओ को जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं जिनको नहीं चलाना आ रहा है या जिनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है या कभी कभी वेबसाइट में ज्यादा रश आ गया जिसकी वजह से वेबसाइट फंस गई तो इसके लिए हम लोग पी का सहारा भी ले सकते हैं लेकिन आने वाले टाइम में पी एफ भी कंप्लीटली हट जाना चाहिए क्यों हटना भी चाहिए जा, इसमें जा, तो दिखे दिखे दिखे। हाँ बट नियर फ्यूचर में आपको पता है हट जाएगा है ना अच्छा आगे मूव करते हैं विल एक्सेप्ट पेपर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है जो हमारे पास फिजिकल फ्रंट ऑफिस है तो वहाँ पे तो हम फिजिकली चीजों को सबमिट करेंगे और जो वी एफ ओ है क्या वहाँ पे फिजिकली सबमिट हो जाएगा क्या वहाँ पे फिजिकली सबमिट नहीं होएगा हाँ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स बाय कस्टमर सर्विस एजेंट है ना और एंड मैन दी एफ ओ एंड ऑल्सो द अथोराइज पर्सन विल हैव टू साइन दिस डॉक्यूमेंट्स डिजिटली आप लोगों को याद है आप लोग जब अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हो तो स्कैन करते हो गए यार भाई आपके पास आपकी मार्कशीट आ गई तो आप उसको स्कैन करोगे और स्कैन करके अपलोड करते हो फिर से फिर आपको उस पर साइन भी तो करते हो आपके भी तो साइन डिमांड करता है आपका इंस्टीट्यूट कि आप ही ने अपलोड किया है या किसी अपलोड किया है ना तो इस चीज का डिमांड तो ये आप इस तरीके से करते हो काम आगे मूव करते हैं कौन कौन सी एम सी ट्वेंटी वन के अंतर्गत चीजों को आप कर सकते हो यार ई फाइलिंग कॉमन सेंस है यार अब तो है ना इतना बता दिया तो आपको तो ये कॉमन सेंस में आ जाना चाहिए क्यों एम सी ट्वेंटी वन का मतलब क्या हम सारी चीजों को ऑनलाइन कर चुके हैं एंड ऑनलाइन के अंतर्गत हम क्या करेंगे जितनी भी फाइलिंग होगी एमसी ट्वेंटी वन के माध्यम से हम ई फाइलिंग कर पाएंगे क्यों विंग पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या ऐसा है क्या यार हम पब्लिक डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं एमसी है ट्वेंटी कैसे जैसे कोई भी कंपनी जब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को सबमिट करेगी आर ओ सी के पास तो आर ओ सी क्या उसको रजिस्टर करेगा रजिस्टर करने के बाद उसको एमसी की वेबसाइट पर डाल देगा वेरी सिंपल हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं क्यों रिक्वेस्टिंग सर्टिफाइड कॉपी रजिस्टरिंग इन्वेस्टर एंड ट्रैकिंग ट्रांजेक्शन स्टेटस कि हमारी कंपनी कहाँ तक पहुँची हमारी कंपनी का क्या स्टेटस है इनकॉर्पोरेट हुई या नहीं हुई इसीन आया या नहीं आया सर, है ना एंड इसके अलावा हमारे हमने कोई कम्प्लेन अगर रेज करी थी तो कम्प्लन का क्या स्टेटस है ये बिल्कुल वैसे ही सिंपल सा है जैसे कि आप अमेजॉन पे जब कोई गुड्स मंगाते हो तो आपको एक आ, आपको एक यूनिक आईडी मिलती है अपने प्रोडक्ट की डिटेल मिलती है और क्या आप अपने उस यूनिक आईडी को ट्रैक भी कर सकते हो यानी कि आपका प्रोडक्ट मान लो फॉर एग्जाम्पल यूपी बिहार से आ रहा है तो अभी कहां पहुंचा है ये आप ट्रैक कर सकते हो ठीक वैसे ही हमारी कंप्लेन का क्या स्टेटस है आप ऑनलाइन कर सकते हो हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया क्या स्टेटस है ये ऑनलाइन दिखाएगा हमारे को है ना हमने डिन के लिए ऑप्ट किया हमने डिन के लिए एप्लीकेशन दी हमने डीएससी के लिए एप्लीकेशन दी ये सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं बैक ऑफिस में यार मैंने बता तो दिया है बैक ऑफिस में क्या होता है बैक ऑफिस में जिन्होंने टाइमली फाइलिंग नहीं करी गलत फाइलिंग करी कुछ कांडी लोग होते होंगे जो गलत गलत डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते सर उनको भी तो यही पकड़ेंगे ना बैक ऑफिस में पकड़ेंगे किसी और के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए किसी ने तो उनको भी यहीं से पकड़ेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी यही करेंगे है ना किसी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट होएगी कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की डिमांड होएगी तो बैक ऑफिस में डिमांड करेंगे है ना देखते हैं द बैक ऑफिस इज वॉट एम सी एम्प्लॉय इन फ्रंट विच एक्सेसिंग बैक ऑफिस पोर्टल ठीक है ना जो एम जो फ्रंट ऑफिस में है उसको कहाँ से मैनेज किया जा रहा है बैक ऑफिस से मैनेज किया जा रहा है इतनी बात समझ में आती है ना यार फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस समझ में आ रहा है यार अमेजोन पे प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो ये फ्रंट ऑफिस है प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है ये बैक ऑफिस है है ना आपके ग्रेवेंसी शॉर्ट आउट हो रही है बैक ऑफिस का कमाल है ना देखते हैं यहाँ से द बैक ऑफिस प्रोसेस रिलेट्स टू डायनेमिक रूटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल तो ये क्या करते हैं जिस जिस डॉक्यूमेंट को जहाँ पे जाना है उसको वही ठिकाने लगाते हैं या नहीं लगाते तो ये किसका काम है बैक ऑफिस का काम है ना तुमने पैन कार्ड को लगा अपना पैन कार्ड तुमने अप्लाई किया अभी तुम्हारा पैन कार्ड कलेक्ट करेक्ट करेक्ट या करेक्ट नहीं है तो उसको चेक करने का काम कल को अगर इनको लगता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है ये पैन कार्ड में तो ये क्या करेंगे ये वही सिंपल डिपार्टमेंट को भेजेंगे और बोलेंगे हे भाई बताने का यह आदमी का जो पैन कार्ड है या आदमी तुम्हारे नाम रजिस्टर है या, है या है इसका क्या स्टेटस एंड ऑल एंड ऑल है ना तो ये सभी चीज़ें हम लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं यार आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली वर्क फ्लो सिस्टम टू सपोर्ट स्पीड एंड सर्टेटी इन सर्विस डिलीवरी एक कुछ बैठते हैं पीछे ताकि आप लोगों को अच्छी सर्विसेज दे सके इंश्योर कर सके कि प्रॉपर ऐप वगैरह चल रहा है या नहीं चल रहा है सपोर्टिंग ऑल रूटीन टास्क रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल्स एंड ऑल तो बैक ऑफिस का ही कमाल होएगा क्यों फ्रंट ऑफिस पे तो हमने खाली पेपर ही अपलोड करने ना सारी चीज़ें तो बैक ऑफिस में हो रही होंगी ना यस स्टोरिंग ऑल अप्रूव डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी पार्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और साथ ही साथ आपकी जितने भी चीज़ों को आप क्या करते हो यहाँ पे आप ऑनलाइन आप सबमिट करते हो वो सारी चीज़ें वो फिजिकली भी अपने पास स्टोर करके रखते हैं एंड एनहसिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफॉल्टर्स है ना कौन से लोगों ने अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अपना जो ये मुजाहिद है इस बार सही नाम लिया आपने ना ये अपना जो मुजाहिद है ये मुजाहिद ने एक कंपनी बनाई है ना और कंपनी में फ्रॉड किया इसको तीन साल का सजा हो गया है ना तीन साल का सजा हो गया अभी ये बताओ कि तीन जैसे ही सजा ख़त्म होकर आता है फिर कहता है अपन ना कंपनी बनाएगा फिर से आई बात समझ में फिर से इसने कंपनी बनाई और अपनी डिटेल्स को अपलोड किया क्या लगता है ये कंपनी बना पाएगा क्यों नहीं बना पाएगा कंपनी क्योंकि मैम हम फाइव ईयर के बाद ही ये कंपनी को बनाने के लिए एलिजिबल होएगा मैंने बता रखा है आप लोगों को तो ये केस में ये बातें कैसे भाई वहां पे ये पोर्टल पे एक्सेस करेगा लेकिन पोर्टल इसका एक्सेस नहीं लेगा क्यों इसको एक्सेस नहीं करने देगा क्यों नहीं करने देगा क्योंकि वहां पे पहले ही ऑलरेडी वो लोग मेंशन कर चुके होंगे कि ये डिफ़ॉल्टर है इनका इनको कंपनी नहीं बनानी है ना इनका पैन कार्ड और आधार कार्ड पर रेड फ्लैग शो हो रहा होगा तो इसका मतलब है ये पर्सन को कंपनी बनाने का एक्सेस नहीं देना है ये पर्सन कंपनी नहीं बनाएगा है ना ये सारी चीज़ें कहाँ पे मैनेज होने वाली है बैंक ऑफिस पे मैनेज होने वाली है इंश्योरिंग क्लोजर फॉलो अपन मैटर्स रिलेटेड टू कंप्लाइंस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशन ये सभी चीज़ों को हम लोग बैक ऑफिस में ही मैनेज करेगा एंड एनेबलिंग रिस्पॉन्स टू इन्वेस्टर किसी कंपनी के रिगार्डिंग कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई कोई समस्या आ गई तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को काँपें यही भी तो सॉर्ट आउट किया जाएगा प्रोवाइडिंग अलर्ट वेन टास्क कार्ड नॉट कैरिड आउट विद स्टिपुलेटेड पीरियड जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना रिटर्न टाइम नहीं फाइल करोगे तो वहां से मैसेज आएगा ए भाई तूने रिटर्न नहीं फाइल किया जल्दी से फाइल कर लिया है ना तो तुम्हारे को वहाँ से मैसेज आएगा और फिर तुम्हारे को करना पड़ेगा ना तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होती है बैक ऑफिस से होती है हमारे पास बढ़िया अब ये कहते हैं की बेनिफिट्स क्या होंगे एम जे ट्वेंटी वन के यार जो ऑब्जेक्टिव्स थे वही तो बेनिफिट बन जाएंगे फिर हमारे है ना लिख लोगे यार ना पढ़ाओ पढ़ा दो आ जाओ तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे एक स्पीडी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे क्यों भाई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमें हमारे को क्या करना पड़ता है बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता था लाइनों में लगना पड़ता था है ना बार बार जाना पड़ता था ऑटो तो से धक्के खाने पड़ते थे है ना ये सब करना पड़ता था तो यहाँ पे क्या हो गया स्पीडी डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स स्पीडी डिस्पोजल स्पीडी ट्रांजेक्शन होने लगे हमारे पास है ना देखिएगा एक्सपीडियज इन कॉरपोरेशन ऑफ कंपनीज हम बहुत ज़्यादा इफिशियंसी में काम करने लगे जहाँ पे एक पर्सन एक हफ्ते में एक कंपनी बनाता था वहां पे हम एक दिन में ना जाने कितने कंपनीज बना सकते हैं यानी हम लोगों को काम करना आसान हो गया अभी हमें रिटर्न फाइल करना होता था क्लाइंट का रिटर्न लेके बैठे हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी क्या है वेरी सिंपल जितने भी रिटर्न फाइल करने हैं हम ऑनलाइन फाइल कर लेंगे ऑनलाइन का कितना ज्यादा बेनिफिट मिल गया अभी आप लोगों को कंपनीज बनाने हैं डी ऑप्ट करना है डिन ऑप्ट करना है आधार कार्ड पैन कार्ड सब आप लोग एम की वेबसाइट पर जाके कर सकते हो आई एन याद आ रहा है आप लोगों को आई एन सी थर्टी टू स्पाइसी फॉर्म

सी एस बना के सी ए बना के भेजते तुम तो लोगों को okay, ओके तो तुम लोग हमारे मैम जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक रॉ क्लाइंट आया सौम्या so, मैम के पास एक रॉ क्लाइंट आया मेरे जैसा मैडम हमको एक कंपनी बनानी है तो मैडम ने कहा बना लो ये डिटेल दो आधार कार्ड लाओ पैन कार्ड लाओ कौन सा नाम होगा कंपनी का ये लाओ अपना एड्रेस प्रूफ लाओ अपना फ़ोन नंबर लाओ अपना ई मेल लाओ मैडम इसमें तो हमारे पास कचो नहीं है अभी क्लाइंट ऐसे भी मिलेंगे ना कोई पर्सन है अभी अभी बस जस्ट वो हुआ मतलब बड़ा हुआ और बड़ा होने में उसको लग रहा है बिजनेस करेगा हम बिजनेस करेंगे और कंपनी बना के करेगा किसी ने बता दिया कि कंपनी अच्छी होती है तो कंपनी बना के बिजनेस करेंगे अब ये बताओ क्लाइंट के पास ना आधार कार्ड है ना पैन कार्ड है ना ई मेल है कुछ भी नहीं है तो ये केस में क्या होगा भाई मैडम का काम है ये हमें अपने क्लाइंट को कोई क्लाइंट को सेटिस्फाई करने का काम हमारा है और क्लाइंट सेटिस्फाई कब होगा सिंपली वो पैसा दे सारा काम उसको ऑन टाइम तुम करके दो क्लाइंट को तो भैया जो पर्सन आया वो इनसे कह रहा है मैडम पैसे हमसे ले लो लेकिन सारा काम तुम कर लो हमको कुछ करने का मत करना हमको बिजनेस के अलावा कुछ नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि अब ये मैडम की एडक है तो मैडम एक दिन जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन के लिए अप्लाई करके लाए करके आए एक दिन आधार कार्ड के लिए जाएँ एक दिन डिन के लिए जाएँ डी के लिए जाएँ अभी क्या हो गया वेरी सिंपल आप एम की वेबसाइट पर स्पाइसी फॉर्म को जाएँ उसको फिल करें वहीं पर जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी है ना तो आसान हो गई चीज़ें आ सिम्प्लीफाइड एंड इजी कन्वीनियंस ऑफ कन्वीनियंस इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स एंड रिटर्न आसान हो गया किस सेंस में कह रहे हैं आसान हो गया पहले लाइनों में लगना पड़ता था अभी क्या हो गया घर पे बैठ के आप कर सकते हो ना आप सो रहे हो यार क्लाइंट ने कहा यार मेरा ये वाला फॉर्म अपलोड कर दो अच्छा ऐसा क्या कहाँ है मेरा फ़ोन अच्छा हम लोगों की आदत पड़ जाती है हमें पता है आंख बंद करके हम ना ऐप चला सकते हैं आई बस समझ में वेरी सिंपल हमने आंख बंद करके अपलोड कर दिया वैसे क्या होता था जाना पड़ता था ना आसान हो गया ना चीजें अच्छा ये तुम लोग सोच रहे हो ये क्या कह रही है ये बताओ अगर मान लो दोस्त को रिप्लाई करना हो तो आंख बंद करके सोते सोते रिप्लाई कर देते हो कि नहीं कर देते हो मतलब जिस चीज में आप ज्यादा काम करते हो उसको आंख बंद करके भी कर सकते हो कर सकते हो है ना तुम्हारी बात नहीं कर रही हो जिन मान लो भाई इसकी गर्लफ्रेंड है अगर ये अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है मान लो उसकी आंखें बंद भी है तब भी ये पढ़ लेगा मन की आंखों से उसने मैसेज क्या किया है और मन की आंखों से रिप्लाई भी कर मतलब यहाँ से रिप्लाई तो यही से करना पड़ेगा आई मन की आंखों से रिप्लाई कैसे करोगे तो कर देगा तो वैसे ही हम लोगों की आदत पड़ जाती है ना तो आप आसा, आसानी से आराम से सोते सोते भी काम कर सकते हो क्यों बेटर हो गई पहले क्या होता था वी पी लाइन होती थी और भी कोई वीवीआईपी और नॉर्मल और लोगों का होता है ऐसा कुछ नहीं होता ना वेबसाइट सबके लिए बराबर चलेगी बट अगर मंदिरों में जाओ या किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ तो दो रूट होंगे ना वीआईपी रूट और नॉर्मल रूट है ना लेकिन वी आई पी रोड तो थोड़ा तो महंगा होता है हम लोग नहीं जा सकते तो इसने कहा भाई सबके लिए एक ही चीज है ना ट्रांसपेरेंसी थ्रू ई गवर्नेंस चीजें ज्यादा अच्छी हो गई किसी पर्सन के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी मैनुअली ना आर ओ सी ने मान लो दे दिया आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर गलती हो गई मान लो बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे हम जितनी बार चाहे उतनी बार इंश्योर कर सकते हैं और इंश्योर करके हम तब देंगे आपको है ना कस्टमर सेंटर का अप्रोच

आप अपने काम को ट्रैक कर सकते हो ना नोके okay. तो हम लोगों ने क्या कहा ये कस्टमर सेंट्री को अप्रोच है मतलब कि ये आप लोगों को देकर डिजाइन किया गया है ना अच्छा कैसे कस्टमर सेंटर के पहले आपके जो प्रोफेशनल्स थे वो आपका काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपको नहीं पता वेरी सिंपल आज के टाइम में क्या है आप उनसे अपने अपने आईडी को डिमांड कर लो और आप अपने जो भी फॉर्म वगैरह हैं जो अपने प्रोफेशनल से करने के लिए आप कह रहे हो आप उसको ट्रैक कर सकते हो मैंने अपनी सी एस साइबा से कहा कि मैडम एक कंपनी बना दो मैडम ने कंपनी कहा कि हाँ हाँ मैडम हो गया कंपनी आपकी बन गई है मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या लाओ भाई हमारा यूनिक आई डी तो नंबर दो और पासवर्ड दो देखिए जरा कंपनी बनी या नहीं बनी क्योंकि मैडम के पास है ही नहीं और फिर मैडम ने हमें ना रात को बारह बजे शेयर किया पता चला राइट नाउ अभी एक्सेस किया उन्होंने वेबसाइट को तो इसका मतलब हम ये सारी चीज़ों को देख पाएंगे ना है ना तो ये सभी चीज़ें क्या हो गए इसके बेनिफिट बन गए ठीक है ना एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे सबसे पहले हम बात करें एम सी ट्वेंटी वन की एम सी ट्वेंटी क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साइड से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट लॉज के अंतर्गत जितनी भी फाइलिंग थी वो मैनुअली से हमने ई e फाइलिंग में कन्वर्ट कर दिया इतनी बात समझ में आ रही है ठीक है मैम सेटअप ऑफ एम सी एम सी ए को कितनी बनाई गई First of all, MCA, दूसरा RDs, और तीसरा ROC, है ना ये सभी लोग क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठे हुए MCA के के क्या क्या है MCA के objectives क्या है पहला ऑब्जेक्टिव क्या है एमसीए का एमसी ट्वेंटी वन का पहला ऑब्जेक्टिव है एम सी ट्वेंटी वन का बिजनेस रजिस्टर यानी कि हम काम यहाँ पे ज्यादा तेजी से और आसानी से कर सकते हैं ना अच्छा नेक्स्ट आगे बात करते हैं आगे जितने भी रिकॉर्ड वगैरह होंगे ये एम की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे है ना और साथ ही साथ अगर किसी इन्वेस्टर को किसी कस्टमर को किसी कोई भी शिकायत है तो हम उन शिकायतों को भी अपलोड कर सकते हैं और वहां से उनका सोल्यूशन भी हमारे को मिल जाएगा है ना आगे मूव करते हैं प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे

लोन फंडिंग कर रहे हैं तो वो कंपनीज के क्या स्टेटस है उसके लाइबिलिटीज क्या हैं है, कितने लोन है कंपनी के ऊपर कितने डिपॉजिट्स है कंपनी के ऊपर क्या इन सभी चीजों की जानकारी मिल सकती है इन सभी चीजों की जानकारी मिल सकती है एंड यहाँ पे इंप्लॉयज के लिए भी अच्छा हो गया एम्प्लॉयज को भी पता होना चाहिए कंपनी कितनी बड़ी है और जितनी बड़ी कंपनी होएगी बड़े बड़े कंपनीज के ऊपर बड़े बड़े वेलफेयर लॉज भी एप्लीकेबल होंगे तो फिर यहाँ पर इम्प्लॉयज़ को भी एक इंश्योरिटी हो गई कि भाई अगर कंपनी बड़ी है तो वेलफेयर लॉस का अप्लाई करेगी और अगर, अगर अप्लाई नहीं हो रही है तो वो भी जाके बता सकते हैं भैया ये कंपनी बड़ी कंपनी है ये कंपनी के ऊपर वेलफेयर लॉस एप्लीकेबल हो रहे हैं लेकिन ये कंपनी अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं करवा रही है हमको इसके बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं हमें इसके बेनिफिट दिलाओ तो उनके लिए भी आसान हो गया यानी ये सबका भला कर रही है बहुत बढ़िया चीज़ है ना फिर प्रोग्राम स्कोप प्रोग्राम स्कोप की बात करें तो इसमें कितने हमने फ्रंट कितने ऑफिस बनाए दो फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस आप लोगों के लिए ओपन रहता है जिनको भी इस वेबसाइट को एक्सेस करना है एंड बैक ऑफिस का मतलब है सरकारी लोग बैठे हुए हैं आपके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको शॉर्ट आउट करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे आपकी शिकायतों का समाधान करेंगे यानी कि आप यहाँ से जिन भी चीज़ों को एक्सेस करोगे वो उन चीज़ों का रिस्पॉन्स आपको बैक ऑफिस से करेंगे इतनी बात समझ में आती है चल भाई इसके आगे एम सी ट्वेंटी वन के क्या क्या बेनिफिट है बेनिफिट क्या क्या है एम सी ट्वेंटी वन के क्या क्या बेनिफिट है एम सी ट्वेंटी वन ई फाइलिंग सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है ना ई e फाइलिंग आ गया है और ई e फाइलिंग से चीज़ें आसान हो गई है ना और अब हम पब्लिक डॉक्यूमेंट को कोई भी एक्सेस कर सकता है अदरवाइज क्या होता था अगर हमें किसी कंपनी के किसी डॉक्यूमेंट को लेना है रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जाओ फी पे करो और दो और देखो उनको फिर यहाँ पे होता था आर ओ सी बिजी है नहीं मिलेगा है ना शादी में गया हुआ है, नहीं मिलेगा तो ये टाइम टाइम भी जाता था और पैसे भी जाते थे और काम भी नहीं होता था अभी चीजें आसान हो गई ना इसके अलावा रिक्वेस्टिंग सर्टिफाइड कॉपीज हम ऑनलाइन डिमांड कर सकते हैं है ना? ए अपनी कंप्लेन को रेज कर सकते हैं और अपनी कंप्लेन को और अपने फॉर्म को हम ट्रैक भी कर सकते हैं ना इतनी बात समझ में आती है चल भाई। ओके। सेकंड टॉपिक हमारा दो ही टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग कवर कर रहे हैं दूसरा टॉपिक हमारा है एक्सबीआरएल लैंग्वेज अब ये एक्सबीआरएल लैंग्वेज क्या होती है यार एक्सबीआरएल लैंग्वेज का मतलब हो गया एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज अब ये क्या है यार ये कहाँ पे आया देखो अभी आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो इन इंडिया भी काम कर रहे हो और आउटसाइड इंडिया भी काम कर रहे हैं और अगर दोनों ही जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे होंगे अलग अलग कंप्लायस स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे होंगे अलग अलग उनकी लैंग्वेज होएगी उन लैंग्वेज में वो उनको डेटा दे रहे होंगे है ना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर को हम सब यूज़ करते हैं अच्छा इंडिया में यूज होता है जापान में होता है या नहीं होता है यूएस में होता है क्या यूके में होता है स्विट्जरलैंड में होता है यानी कंप्यूटर हर जगह यूज़ होते, होते हैं है? 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 तो इसका मतलब ये है कि भाई लेकिन अभी आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो क्या है अलग अलग देशों में अलग 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 लैंग्वेज बोली जाती है कंप्यूटर की नहीं वैसे हम इंडिया में कोई और लैंग्वेज बोलते हैं क्या है इंडिया की लैंग्वेज हिंदी यू एस में अलग लैंग्वेज बोल रही जा रही होगी स्विट्जरलैंड में अलग होएगी यूएस में अलग होएगी यूके में अलग होएगी सब जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं अच्छा सभी लोग कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं तो सभी लोग क्या कर रहे होंगे अपनी अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को कमांड दे रहे होंगे अपनी अपनी लैंग्वेज में और कंप्यूटर उनको एक्सेप्ट करता होगा हम लोग कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज में कमांड देते हैं कंप्यूटर के लिए कॉमन लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज जीरो एंड वन के फॉर्म में कंप्यूटर को हम किस फॉर्म में इंस्ट्रक्ट करते हैं जीरो एंड वन हम देते हैं अपनी लैंग्वेज में उसको कमांड है बट वो बाइनरी लैंग्वेज में उनको कन्वर्ट करता है एंड बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर वो उनको स्टोर करता है इतनी बात सबको समझ में आती है तो इसका मतलब ये है लैंग्वेज कहीं पर कोई भी यूज़ करे भाई जो जो भी कंप्यूटर है कंप्यूटर का एक चीज़ों को समझने का एक तरीका है वो उनको उसी लैंग्वेज में चीजों को समझेगा और अपने पास होल्ड करके रखेगा तो वैसे हमारे पास एक्सबीआर ये एच बी आर हमारे पास ये बिज़नेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है अलग अलग जगहों पे भाई अगर हम इंडिया में बिजनेस रिलायंस कंपनी की बात करूँ तो रिलायंस कंपनी अफ्रीका में भी काम कर रही है पूरे एशिया में भी काम कर रही है है ना तो इसका मतलब है कई सारे कंट्रीज में काम कर रही है रिलायंस कंपनी तो इसका मतलब रिलायंस कंपनी भाई मेन जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है यहाँ पे लेकिन वो अफ्रीका में भी काम कर रही है और पूरे पूरे एशिया में काम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि भाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज होंगी अलग अलग लैंग्वेजेस में उनको कमांड मिल रहे होंगे मुद्दा याद भाई बिजनेस में अलग अलग लैंग्वेज में कमांड मिलेंगे अलग अलग जगहों पर अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे होंगे अलग अलग तरीके होंगे उनको बिजनेस के करने के तो इस तरीके से तो बड़ा कॉन्फ्लिक्सन आ जाएगा हम किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें कुछ और कमांड दे रहे हैं वो किसी और लैंग्वेज को फॉलो करें वो किसी और तरीके से कमांड दे रहे हैं तो ये केस में हमने ना एक कॉमन लैंग्वेज बनाई जिसको हम लोगों ने बोला एक्स बी आर एल एंड राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में ये लैंग्वेज यूज की जा रही है एक्स बी आर एल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कुछ क्लास ऑफ कंपनीज हैं

ऑफ़ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डेटा इसका मतलब है ये बिजनेस लैंग्वेज है ना हम इन रियल रियल लाइफ में हम इसको ऐसे यूज नहीं करते हम बिजनेस में खाली इसको यूज़ करेंगे टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इट इज़ बींग यूज अक्रॉस द वर्ल्ड ओके मैम तो मैम इसका मतलब है हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो लैंग्वेज है इसको यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए लाया गया ऑफ कोर्स यूनिफॉर्मिटी को किसी भी कंट्री में कंप्यूटर यूज हो रहा है कंप्यूटर में जो लैंग्वेज है वो कौन सी यूज़ होती है बाइनरी लैंग्वेज है ना वो तो बैनर लैंग्वेज में ही आपके कमांड को एक्सेप्ट कर रहा है आप किसी भी लैंग्वेज में उसको दो है ना तो इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह ये कंपनी का, का काम हो रहा होगा पूरे वर्ल्ड में हो रहा होगा तो सभी के सभी लोग जो कंपनी को कमांड दे रहे होंगे वो कौन सी लैंग्वेज में दे रहे होंगे एक्स बी आर ओ में दे रहे होंगे ना तो इट इज बीइंग यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर रिपोर्टिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल डेटा ठीक है मैम इट प्रोवाइड मेजर बेनिफिट्स इन द प्रिपरेशन एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेशन एंड एक्स बी आर इज अ वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड डेवलप्ड एक्स बी आर एल इंटरनेशनल लैंग्वेज ठीक है ना और अ नॉन बैंकिंग कंस्टोरियम ठीक है ना तो इसको एक नॉन बैंकिंग कंपनी ने क्या किया था फॉर्म किया हुआ था इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन बैंकिंग मेकिंग कंस्टोरियम ठीक है आई बात समझ में एंड एक्स बी आर ऑफर कॉस्ट सेविंग ग्रेटर इफिशियंसी इम्प्रूव एक्ूरेसी एंड ये कैसे करते यार ये कैसे करते यार ये देखो वेरी सिंपल किसी और लैंग्वेज में डेटा आएगा फिर हम उसको एक बार अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे फिर हम उसको सही करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना यार फिर कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होएगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी कंट्री से हम हम इंडिया में बिज़नेस कर रहे हैं हम अफ्रीका में बिजनेस कर रहे हैं हम और दूसरी कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं अब वहाँ पर जो भी हमने बिजनेस किया फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिजनेस को हम लोग लेके आएंगे यहाँ पर उसको यहाँ पे हम लेके आएंगे फिर उनको हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके फिर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे फिर बनाएंगे फिर को करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा साथ ही साथ पैसे भी बहुत लगेंगे हमें प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा जिनको कई कंट्रीज़ का लैंग्वेज आता हो तो वो क्या करेंगे उनके डेटा को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर हम उसको एक्सेस कर पाएंगे तो यहाँ पे ये फिर बहुत कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और एफिशिएंसी भी नहीं आएगी हम जल्दी काम अपना ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो ये लैंग्वेज को आने से इफिशियंसी हो गई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी कि सभी लोग इसी फॉर्म में बिजनेस को रिपोर्ट कर रहे हैं ना इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड फ्री ऑफ लाइसेंस भी एंड बींग डेवलप बाई अर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग इंटरनेशनल कचोरी ठीक है ना, standard, ना? तो अब मैंने आप लोगों को बता रखा था कि ये कंपनी को किसने ये ये जो लैंग्वेज इसको किसने बनाया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो यानी कि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है और अगर उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तब तो हमारे को ज़्यादा फीस भी नहीं पे करनी पड़ेगी है ना एप्लीकेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होएगी इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्स बी आर किन किन लोगों को इसको अप्लाई करना पड़ेगा अपने वहाँ पर तो मैंने कहा था सबको नहीं अप्लाई करना पड़ेगा जो बड़े बड़े कंपनीज़ होंगे उनको भाई जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री काम कर रहे होंगे उनको करना पड़ेगा और जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री काम कर रहे होंगे ऑफकोर्स वो बड़े लोग होंगे बड़े आदमी होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज को कवर करेंगे चार लोगों को कवर करने वाले हैं चार लोगों को कवर करने वाले एकदम अच्छे से याद करना सुनना भी है मुझे सबसे पहले बड़े कंपनीज की अगर मैं बात कूँ सबसे पहले जितने भी लिस्टेड है वो आ जाएंगे तो जितने भी लिस्टेड कंपनी है वो सारे बड़े कंपनी है तो ऑल द लिस्टेड कंपनी जिनको अपने वहाँ पे एक्स रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ओके ऑल कंपनीज लिस्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज ऑल द लिस्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज एन इट्स सब्सिडरीज इनको क्या करना पड़ेगा एक्स बी आर एल लैंग्वेज को ऑप्ट करना पड़ेगा दूसरा क्या आता है? यहाँ पे फाइव करोड़ का है ना ऐसी जिनका बिजनेस जिनके बिजनेस की पेड ऑफ शेयर कैपिटल फाइव करोड़ और मोर है उनको अपने एक्स पे आर अप्लाई करना पड़ेगा या ऐसी जिनका टर्नओवर हंड्रेड करोड़ और मोर है वो बड़ी कंपनीज की कैटेगरी में आ जाएंगी और उनको एक्सबीआर लैंग्वेज को ऑप्ट करना पड़ेगा है ना तो पहला कौन सा कैपिटल कितना हो जाएगा फाइव करोड़ और एब थर्ड क्या आ गया ऑल दर्न ओवर ऑफ रूपीज वन हंड्रेड करोड़ और एब ये आ जाएगा एंड ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज रूल्स 2015 एंड कंपनीज रूल 2015 क्या कहते हैं सेक्शन uh, 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 33 सेक्शन 33 जल्दी से बताओ क्या है कंपनीज एक्ट का 33 कि 133 बढ़िया आप बताओ 133 क्या कहता है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे कुछ कंपनीज को है ना जिनके ऊपर एप्लीकेबल है तो सेक्शन 133 मतलब एक बच्चे को उसे पता है मैंने थर्टी थ्री कहा तब भी लोग कह रहे हैं सोचने लगे थर्टी थ्री में क्या था है ना जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है एक बच्चा खाली करेक्ट कर रहा है और एक बच्चा बता रहा है खाली एक ही बच्चे को पास होना है क्या चलो खैर टाटो ना यार ठीक है ऑल कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज रूल्स 2015 है ना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको एक्सबीआई लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा इतनी बात समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से देखते हैं कौन कौन से कंपनीज कौन हो गए यार पहला कौन सा हो गया सभी के सभी लिस्टेड कंपनी दूसरा कौन सा हो गया कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल फाइव करोड़ और मोर एंड नेक्स्ट क्या हो गया टर्न ओवर हंड्रेड करोड़ और मोर एंड नेक्स्ट क्या हो गया कंपनी अकाउंटिंग कर रही है सेक्शन वन थर्टी थ्री के अकॉर्डिंग कंपनीज से आपके है ना या रूल्स ट्वेंटी फिफ्टीन के अकॉर्डिंग है ना यानी कि जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है वो कंपनी को एच को फॉलो करना पड़ेगा इतनी बात समझ में आ रही है कौन सी कंपनीज को नहीं फॉलो करना पड़ेगा ये सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में क्वेश्चन आया इनके अलावा नहीं आओ कौन सी कंपनीज कंपनीज होंगी तो है ना बैंकिंग कंपनी इन्हें नहीं, नहीं? <im resulted> नहीं, नहीं फॉलो करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी इन्हें नहीं, नहीं फॉलो करना पड़ेगा पावर सेक्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूजिंग एक्सबीआरएल आई बात समझ में तो इन कंपनीज को फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी ये काम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होएगा है ना देखो मुझे जो लगता है यहाँ से कि क्या आएंगे या तो जैसे अभी तक जो मैंने क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए वो क्या है बेनिफिट्स पूछ रखे हैं आपसे कि बेनिफिट्स क्या होंगे तो आपको बेनिफिट्स बता देने हैं इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक क्वेश्चन ये आया हुआ है दूसरा आपसे पूछ लेते हैं वॉट इज एम ट्वेंटी वन अब नाम से लगता है एम ट्वेंटी वन क्या होगा यार कोई बवाल होएगा तो एक तो ये पूछ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम में दूसरा ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो जो पूछा जाता है कि एक्सबीआरएल किनको किनको फॉलो करना है एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग किनको किनको फॉलो करनी है वो पूछ लेते हैं और किनको किनको नहीं फॉलो करनी है। तो जल्दी से पढ़ लो यार किनको किनको फॉलो करनी है और किनको नहीं फॉलो करनी अपन पूछेगा याद हो गया ना नॉन एप्लीकेबिलिटी याद हो गई ना अभी पूछे हम चल भाई किससे पूछेगा मुदस्सिर से पूछेगा अभी नाम बिल्कुल सही है ना बोल भाई नॉन एप्लीकेबिलिटी पापी नॉन एप्लीकेबिलिटी किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होएगा इंश्योरेंस कंपनी बैंक ए भाई एक इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग कंपनी पावर सेक्टर कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और और एक और है है एकदम पक्का अच्छा किन कि, किनको एप्लीकेबिलिटी है जानवी मैम कौन सी कंपनी जिनको एस बी फाइलिंग करनी पड़ेगी जिनका टर्न ओवर हंड्रेड करोड़ और एब अच्छा ठीक ओके लिस्टेड कंपनी हाँ ठीक okay. का है ओके जिन कंपनीज का पेड़ अप कैपिटल फाइव करोड़ अब है ऐसा क्या और 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 एक और और जिन कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं अब मैं एक क्वेश्चन पूछेगा तुम बताएगा क्या अभी ये पी पी सी प्राइवेट लिमिटेड अभी ये कंपनी का पेड ऑफ शेयर कैपिटल एक्सीड कर रहा है ये सेवन करोड़ से प्राइवेट लिमिटेड है पीपीसी क्या पीपीसी प्राइवेट लिमिटेड को एक्सबीआरएल फाइलिंग करनी पड़ेगी प्राइवेट लिमिटेड है यार प्राइवेट लिमिटेड है लिस्टेड नहीं है प्राइवेट लिमिटेड है भैया कह रहे हैं अंशु भैया जो कि बहुत टैलेंटेड हैं अंशु भैया कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है दिमाग में मत लेना यार मजाक कर रही हूँ यार है ना खाली मजाक कर रही हूँ तो अंशु भैया ऐसा कह रहे हैं कि जो लिस्टेड होगी उन्हीं को करना पड़ेगा जो अनलिस्टेड होगी उनको नहीं करना पड़ेगा मैंने आपसे कहा ना जितने भी लिस्टेड कंपनी उन सबको करना पड़ेगा अब यानी कि जो मान लो मैंने कोई को कंपनी फॉर्म की और कंपनी फॉर्म करके मैंने उसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड में लिस्ट करवा लिया तो लिस्टेड हो गई लिस्टेड हो गई तो बड़ी कंपनीज हो गई तो उन सबको करना पड़ेगा इसके अलावा ऑल द कंपनीज ऑल द कंपनीज इंक्लूड प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी वन पर्सन कंपनी तीनों कंपनी आ गई ऑल द कंपनीज इंक्लूड पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी इन सबको क्या करना पड़ेगा ऑल द कंपनीज हैविंग पेड ऑफ शेयर कैपिटल मोर देन सॉरी फाइव करोड़ और मोर तो इनको क्या करना पड़ेगा एप्लीकेबल करवाना पड़ेगा तो इसका मतलब अगर प्रभात पाठक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की पेड ऑफ शेयर कैपिटल मोर देन सेवन करोड़ है तो करना पड़ेगा ऑफ कोर्स करना पड़ेगा है ना अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ ले हम आंसर कर पाओगे अच्छा नहीं पूछती है नहीं रहने दो यार नहीं पूछेगी <laughs> मार दोगी तुम लोगों जान से एक क्वेश्चन प्राइवेट लिमिटेड हम जिससे पूछेगा ना वही आंसर करेगा वन जीरो वन करोड़ एक्स बी आर एल फाइलिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी प्राइवेट लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड है अब हाथ किसको, किसको पता सबको पता आंसर इसका वे भी मैम बताएंगी अरे प्राइवेट लिमिटेड है भाई यस चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो चाहे वन परसेंट कंपनी हो सबको करनी पड़ेगी पक्का पक्का ना बढ़िया एक लास्ट बार और पूछेगा फिर आगे बढ़ेगा साइमा मैम कौन कौन सी कंपनीज है जिनके ऊपर एक्सबीआरएल फाइलिंग एप्लीकेबल नहीं होगी नहीं होगी बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी एनबीएफसी पावर जनरेटिंग कंपनीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इनको नहीं करनी पड़ेगी पक्का पक्का यार याद हो गया एग्जाम में करके आओगे ना कटा के आओगे कह दो तो यस मैम उसमें बोल दो यस कौन बोला यस मैम देखो ना मैं तुम लोगों को बता दू सरस्वती माँ बोलती है ना सरस्वती माता आ जाती है दिन में एक बार आती है और क्या पता तुम्हारी इसी बात पे मैंने कहा तुमने मेरी नाक कटवानी नाक कटवाने का मतलब तुमने फेल होना है क्योंकि तुम लोग अगर पास हो गए तब तो तब तो मतलब मेरी नाक तो और लंबी हो जाने वाली है समझ में और अगर तुम फेल होएगा तो मेरी नाक कट जाएगी यहाँ से और वो बोल रहा है यस मैम मैं तेरी नाक कटवाएगा ना अब इसका मतलब समझो इंटरप्रिटेशन समझते हो तुम लोग चलो एक्सबीआर टास्क देखो हमने ना कहा एक्सबीआर टेक्सनॉमीज पढ़ेंगे हम लोग है ना एक्सबीआरएल लैंग्वेज एंड एक्सबीआर टास्क ये क्या टैग्स क्या हैं एक्सपीएल टैग का मतलब होता है जिस फॉर्म में हम जिस जिस फॉर्मेट में हम उनको वो डेटा दे रहे होते हैं टैग टाक। टैक्सोनॉमीज का मतलब जो डिक्शनरीज जो जो भी डिक्शनरी से फॉर एग्जांपल बचपन में हम लोगों ने बाइनरी लैंग्वेज पढ़ी थी और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना सीखा था है ना तो उनकी अलग डिक्शनरी होती है उनकी डिक्शनरी में किस चीज को क्या बोलते हैं ठीक वैसे ही, यहाँ पे भी एक डिक्शनरी होएगी वो डिक्शनरी में हर चीज़ लिख रखी है जब ये लैंग्वेज को आप लोग पढ़ोगे बड़े हो जाओगे बच्चे बड़े बच्चे हो जाओगे फिर ये जब लैंग्वेज का कोर्स करने के लिए जाओगे जब ये कोर्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सिखाएंगे कि हम अगर एक्स लैंग्वेज में कंप्यूटर को डेटा दे डेटा दे रहे हैं कमांड दे रहे हैं तो उनको हम किस तरीके से देंगे तो जिस फॉर्म में हम डेटा देते हैं उनको उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं ठीक है ना देखते हैं इन एक्स बी आर एल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ट्रीटेड एड ए स्टेटिक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट और सेट ऑफ नंबर्स से इन्फॉर्मेशन इज ब्रोकन डाउन इंटू यूनिक आइटम्स ऑफ डेट डेटा ठीक है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई जैसे कोई वर्ड नहीं देते हैं हम उनको कमांड देते हैं ना कुछ कुछ कमांड देते हैं किसी भी फॉर्म में अब हम डेटा के फॉर्म में देते हैं डेटा कौन सा होगा नंबर से रिलेटेड होएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी करंट मेरी जो लाइबिलिटीज है मेरी जो लाइबिलिटीज है बैलेंस शीट में वो कितनी है हंड्रेड करोड़ है है ना तो मैंने क्या कहा मैंने कहा कि सी एल सी एल हंड्रेड तो इसका मतलब है करंट लाइबिलिटीज हंड्रेड हम ये पूरा नहीं लिखेगा हम इस तरीके से क्या करेगा हम कंप्यूटर को अपना इस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्ट करेगा ठीक है बट मैं ये लैंग्वेज आप लोगों को नहीं सिखा रही ऑफकोर्स ठीक है course, ना ये लैंग्वेज आप लोगों के सिलेबस में भी नहीं है आपको भी सीखनी भी नहीं है बाद में आपका मन करेगा तो आप सीख लेना ठीक है ना तो एक्च बी आर जिस फॉर्म में हम अपने कंप्यूटर को कमांड देगा उसको हम लोग क्या बोलेगा एक्स बी आर एल टैक्स ठीक है ना इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट स्टैटिक ब्लॉक और टेक्स्ट और अ सेट ऑफ नंबर इन द इनफॉर्मेशन इज ब्रोकन डाउन इन टू यूनिक आइटम्स ऑफ डेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल टू हंड्रेड तो हमने टोटल लाइबिलिटीज को हमने क्या किया टोटल लाइबिलिटीज को हमने हंड्रेड बोल दिया यानी yani, जहां जहाँ हंड्रेड होगा वहाँ वहाँ पे शब्द क्या यूज होंगे टोटल लाइबिलिटीज है ना आई बस समझ में जैसे आप लोग क्या करते हो एक्स की वैल्यू निकालते हो अब एक्स की वैल्यू कोई आ गई तो उस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे एक्स होगा उसका मतलब वो होगा वैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया कि जहाँ पे भी हंड्रेड आएगा वो हंड्रेड का मतलब क्या होएगा वो हंड्रेड का मतलब होएगा मतलब लाइबिलिटी तो इसका मतलब जहां जहां पे भी डेटा में हंड्रेड लिखा होएगा उस हंड्रेड का मतलब हमेशा वहाँ पे क्या लेंगे लाइबिलिटीज लेंगे आई बात समझ में तो हम इनको स्पेसिफिक कॉन्टेंट में क्या करते हैं और डेरे कमांड दे रहे होते हैं ठीक है कंप्यूटर इनको उस लैंग्वेज में लेगा और हमारी लैंग्वेज इनको कन्वर्ट कर देगा ठीक है ना बिकॉज एस बी आर एल टास्क आर फॉर्म इन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वे दे कैन बी रीड इन प्रोसेस बाई एनी कंप्यूटर दैट है एक्स बी आर एल सॉफ्टवेयर वेरी सिंपल मैंने आपसे तो कहा ना इसलिए बाइनरी लैंग्वेज का मैंने लिया था एक्जाम्पल क्योंकि बाइनरी आपने यूज करी हुई है आपने पढ़ी हुई है तो सभी इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर है सभी के सभी कंप्यूटर क्या करते हैं बाइनरी लैंग्वेज को ही रीड करते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में कमांड लेते हैं And आप लोगों के कंप्यूटर में चाइनीज चाए, सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ है तो उसको चाइनीज में कन्वर्ट कर देंगे जापानीज पढ़ा तो जापानीज में कन्वर्ट कर देंगे हिंदी पढ़ा तो हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे और इंग्लिश पढ़ा तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे ना तो कंप्यूटर हमसे कमांड किस लैंग्वेज मिलेंगे बाइनरी और यहाँ पे अगर मैं एस बी को फॉलो कर रही हूँ तो एक्सबीआर टैक्स में वो कमांड लेते हैं और फिर उनको कन्वर्ट कर देंगे जिस भी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा उस लैंग्वेज में बोल भाई तीमा समझ में आती है आगे बढ़ते एक्सबीआर टैक्सनॉमीज

एंड द एक्स बी आर लैंग्वेज इज यूज डिफरेंट डिक्शनरी इज नो ए टक्सनॉमीज आई बात समझ में तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग काउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं एंड एक्स बी आर एल लैंग्वेज उनसे उनके लैंग्वेज में कमांड लेगा और टैक्सनॉमीज में कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपने पास तो एक्स बी आर में सेव करेगा और आप जिस लैंग्वेज में उसको देखना चाहते हो वो उस लैंग्वेज में उसको दिखा देगा इतनी बात समझ में आ रही है पक्का पक्का चल भाई टेक्सनॉमीज और द कंप्यूटर रीडेबल डिक्शनरीज ऑफ एक्स बी आल जैसे कंप्यूटर में भी तो बाइनरी लैंग्वेज की डिक्शनरी होती है हम उसको अपनी लैंग्वेज में देते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में सेव करेगा वैसे ही जिन कंप्यूटर्स में एक्स बी आर एल सॉफ्टवेयर पड़ाएगा तो हम उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमारे डेटा को किस में कन्वर्ट करेंगे एक्सबीआरएल टैक्स में एंड वो टैक्स कैसे क्रिएट होते हैं टेक्सनॉमीज से तो एक्स बी आर एल टेक्सनॉमीज का मतलब क्या होगा डिक्शनरीज और टैक्स का मतलब क्या हुआ जिस फॉर्म में वो डेटा को अपने पास सेव करके रखेगा है ना और वो डेटा कहाँ पर लिखा होगा टेक्सनॉमीज में एंड प्रोवाइड प्रोवाइडन फॉर एक्स बी आर एल टास्क वही आ गया तो टेक्सनॉमीज क्या होती है डिक्शनरीज जो एक्सबीआर टैक्स को बताती है कि भाई ये करंट लाइबिलिटी अगर हंड्रेड तो हंड्रेड का मतलब क्या है हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया हंड्रेड तो अभी ये मान लो उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है हंड्रेड का मतलब लाइबिलिटी तो ये बात कहाँ पर लिखी होगी भाई ये बात कहीं गूगल पर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी ना बट अगर इसको एक्स बी आर डिक्शनरीज में ढूंढोगे टेक्सट नॉमीज में ढूंढोगे तो हंड्रेड का मतलब क्या दिखाएगा लाइबिलिटी दिखाएगा वेरी सिंपल आगे मूव कर दो बेनिफिट्स ऑफ एक्स बी आर या बेनिफिट्स क्या होंगे सभी जगहों पे एक लैंग्वेज हो गई तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया क्योंकि ऐसे क्या होता मेरी कंपनी भाई रिलायंस कंपनी इंडिया में काम कर रही है और अफ्रीका में काम कर रही है तो अफ्रीका में उनकी लैंग्वेज में वो चीज़ों को स्टोर करेगी फिर वहां से डेटा यहाँ आएगा उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर हम बनाएंगे, फिर हम बुक्स बनाएंगे उनको कॉन्सोलिडेट करेंगे फिर हम उनको जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे टाइम जाएगा कॉस्ट जाएगा है ना और ज्यादा हेक्टिक काम हो जाएगा हमारे डाइवर्ट होंगे ऐसे क्या हो गया एक लैंग्वेज कहानी खत्म हो गई हमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालना है इतनी बार समझ में आती है तो देखते हैं ध्यान से इट सेव्स कॉस्ट एंड तो कॉमन सेंस है यार ये तो आना ही था ना अच्छा आगे मूव करते हैं इट्स सेफ कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशेंसी इन हैंडलिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इट इज एक्सटेंसिबल एंड फ्लैक्सिबल विच कैन अडोप्ट एनी चेंजेस तो ये किसी कोई भी अगर आपको चेंज वगैरह करना तो ये सभी कुछ एक्सेप्ट करेगा एंड इट इनेबल्स प्रोसीजर एंड कंज्यूमर्स फाइनेंशियल डेटा टू स्विच रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द कॉस्टली मैनअल प्रोसेस मैंने पहले तो मैनुअल प्रोसेस होता था कि हम दूसरी कंट्री में भी काम कर रहे हैं यहाँ पर भी काम कर रहे हैं तो हम प्रोफेशनल्स रखते थे भाई जिनको दोनों ही लैंग्वेज बताओ तो उस लैंग्वेज का डेटा इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे एंड द यूज ऑफ फाइनेंशियल डेटा आर एबल टू मेक एफर्ट्स एंड ऑन एनालिसिस आई बस समझ में हम इनको इन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं तो ये वाली कहानी हमारे यहाँ पर हो गई ख़त्म बेसिक दो बेसिक टॉपिक थे फाइव मार्क्स में आपको पूछ लेते हैं तो मुझे लगता है ये बच्चों वाला चैप्टर था जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपके सलेबस में डाल रखा है जिसमें एक एम सी ट्वेंटी वन क्या है पूछ लेते हैं एम सी ट्वेंटी वन के बेनिफिट्स क्या है एम सी ट्वेंटी वन के ऑब्जेक्टिव क्या है एक्स बी आर एल लैंग्वेज क्या है एक्स बी आर एल टैक्सोनॉमीज क्या है एक्स बी आर एल टैक्स क्या है? है ना ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और कौन कौन से कंपनीज को XBRL बी आर एल फाइलिंग करनी है और कौन से कौन से कंपनीज को एक्स बी आर एल फाइलिंग नहीं करनी है ये आपसे पूछते हैं कर लोगे यार एग्जाम में आएगा नाक तो नहीं कटाओगे यार मेरी पास हो के आओगे यार अच्छे नंबर से पास हो के आओगे बहुत बढ़िया